हेलो फ्रेंड्स, आज मैं शेयर कर रही हूँ बहुत ही यम रेसिपी। तो आइए देखते हैं इन्हें कैसे बनाना है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे चॉकलेट डोसा। यहाँ मैंने डोसा के बैटर को रेडी कर लिया है। बिल्कुल क्रिस्पी डोसा बनाना है तो आप मेरे इस रेसिपी को फॉलो कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी शेयर किया है डोसा की रेसिपी, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप जाके चेक कर सकते हो। तो सबसे पहले हम डोसा के बैटर को इस तरह से तवे पे फैला देंगे और इसे जितना पतला बनाओगे ये उतना ही क्रिस्प बनेगा। तो इसी तरह से डोसा के बैटर को हम फैलाने के बाद अप्लाई करेंगे थोड़ा सा बटर, जिससे कि इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हो जाता है। और अब डाल देते हैं फ्रेश क्रीम या घर की फ्रेश मलाई। चॉकलेट सॉस डाल देते हैं, इसे हम डोसा पे इस तरह से फैला देंगे। और ध्यान रखें कि चॉकलेट को स्प्रेड करते टाइम गैस की फ्लेम हम लो टू मीडियम में रखेंगे। और आप जितने अमाउंट में चॉकलेट डालना चाहो आप डाल सकते हो। हल्का सा जब बैक साइड रेड हो जाए तो इसे हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और ये हमारा क्रिस्पी चॉकलेट डोसा रेडी है। और इसे अब हम पीसेज में कट कर लेंगे और ऊपर से अप्लाई कर देते हैं चॉकलेट सॉस। अगर आप चाहो तो इसे आप ऐसे भी खा सकते हो। तो चलिए अब हम बना लेते हैं डोसा रैप बहुत ही अमेजिंग स्टफिंग के साथ। डोसा रैप बनाने के लिए डोसे के बैटर को अच्छे से तवे पे फैला लेंगे, गैस की फ्लेम लो टू मीडियम में रखेंगे और अप्लाई करेंगे बटर। बटर को अच्छी तरह से चारों तरफ फैला लेंगे। और आप जब भी रैप्स बनाओ तो बटर ज़रूर यूज़ करना, इससे बहुत ही ज़्यादा फ्लेवर इन्हेंस होता है। और अब ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे चाट मसाला। पाव भाजी मसाला स्प्रिंकल करेंगे, अगर आप चाहो तो मैगी मसाला भी स्प्रिंकल कर सकते हो। और अब हम इसे बीच से कट कर देंगे। फर्स्ट लेयर में डालेंगे नूडल्स, सेकंड में अप्लाई करेंगे टोमेटो केचप और साथ ही में डाल देते हैं मेयोनीज। अच्छे से मिक्स करते हुए स्प्रेड कर लेंगे। थर्ड लेयर में अप्लाई करेंगे सेजवान चटनी, इसे भी स्प्रेड कर लेंगे और ऊपर से डाल देते हैं कटी हुई प्याज। फोर्थ लेयर में अप्लाई करेंगे चीज़। स्टफिंग करते वक्त गैस की फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे और अब हम इसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और ये हमारा क्रिस्पी डोसा रैप रेडी है। और बस ऊपर में थोड़ा सा लगा लेते हैं बटर और अब डाल देते हैं धनिया पत्ता और ऊपर से गार्निशिंग कर देते हैं थोड़ी सी चीज़ से। और इसे आप अपने मनपसंद डिप के साथ खा सकते हो। एंड फ्रेंड्स, मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। जल्द मिलूंगी आपसे यम रेसिपीज़ के साथ।